चले वहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर लौट छोड़ आए। घर पर छोटू की माँ इंतजार कर रही थी, बस वह अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा दिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं? हम छोटू का सवाल लाज रखा। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं श्वास ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से मैं जमीन के ऊपर चलना मेरा चलना मुमकिन होता है, यानी संभव होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव क्षम साबित हुए, केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल कर आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसीलिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा चाही थी। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु चलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अटक नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान उसने अपनी जगह बदल दी। कंप्यूटर के अनुसार यह धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा। इस प्रकार इस पाठ में छोटू जो था वो अपने पापा के जो कंट्रोल रूम में चला जाता है और सुरंग में जाने के बाद उसका जो उसको पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद उसके सैनिक उसको घर पहुंचा देते हैं और उसके पापा उसकी मम्मी से उसको बचा लेते हैं। इसकी सत्ता प्रतीक्षा, इंतजार, माहौल, वातावरण, वजह और कारण, मुमकिन, संभव, बगैर, बिना, पूर्व पूर्वज, परिवर्तन, बदलाव, उष्णता, गर्मी, अक्षम, अयोग्य, सतर्कता, सावधानी, मनसा, इरादा, शिफ्ट, कार्य, स्टाफ, कर्मचारी। धन्यवाद।